हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गट्टे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट गट्टे बने हैं। आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके गट्टे भी सॉफ्ट बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कभी हमारे घर में सब्ज़ी नहीं होती है तो आप इस तरह से गट्टे बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में एक चम्मच भर के धनिया डालेंगे साबुत, और एक चम्मच डालेंगे इसमें सौंफ, और एक चम्मच डालेंगे हम इसमें जीरा, साबुत जीरा डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन, और आधी छोटी चम्मच डालेंगे इसमें काली मिर्च। हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें भून लेंगे अच्छे से, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आए। थोड़ी देर भूलेंगे। ये भून चुका है और अब हम इसे उसमें पीस लेंगे। खलबट्टे में इसे कूट लेंगे अच्छे से, दरदरा कूटेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। काम है बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है। अब हम एक बाउल में ले लेंगे एक कप बेसन। अब इसमें डाल देंगे वही जो हमने अभी पाउडर बनाया था मसाले का, वो एक चम्मच डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटी चम्मच, और डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा दो चुटकी हम इसमें वो डाल देंगे सोडा, और एक चम्मच इसमें दही डाल देंगे, और चार चम्मच इसमें हम ऑयल डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं होगा, और पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तभी इसमें पानी डालेंगे अगर हमें ज़रूरत हो। पानी बहुत सोच के डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाता है। तो हम इसे चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें, देखिए बस थोड़ा थोड़ा डाल के इसे आप मिक्स करते रहिए, तभी अच्छा गूंदेगा, नहीं तो ये चिपक जाएगा अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो। ये देखिए अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए इससे चिपकता नहीं है, नहीं तो अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये आटा नहीं गूंद पाएगा इसका, और ये चिपकने लगेगा। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। देखिए बन चुका है। अब थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के इसे थोड़ा और मसल लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट डो बनाना है, हार्ड डो नहीं बनाना है। जैसे आटा गूंथते हैं उसी टाइप का इसका होना चाहिए। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम एक चकले में हाथ से ऑयल लगा लेंगे, इसे थोड़ा सा और मसलेंगे। ये देखिए सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसके गट्टे। तो इसे पहले चार भागों में बांट लेंगे। देखिए ज़्यादा पतले गट्टे नहीं बनाने हैं, थोड़ा मोटे मोटे ही बनाइएगा। देखिए इस तरह से बनेंगे, ऐसे ऐसे बेल लीजिए, तैयार हो गया। बहुत आसानी से बन जाते हैं।
ये बनके तैयार हो गए हैं हमारे। अब मैंने एक पान भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख लिया था। जब पानी बॉयल हो जाए अच्छे से तभी हम उस पर गट्टे डालेंगे। ठंडे पानी में नहीं डालना है, जब इस पर बॉयल आ जाए एक पानी में तभी इस गट्टे को डालना है। अब हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। बीच बीच में चेक करेंगे कि गट्टे पके तो नहीं है। ये देखिए अभी इसमें टाइम है थोड़ा सा पकने में, बस थोड़ा ढक देंगे फिर से इसको। तब तक हम इसका वो बना लेते हैं ग्रेवी के लिए, तैयार कर लेते हैं दही। 4 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। ताज़ा दही होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसमें डाल देंगे हम जीरा, सौंफ डाल देंगे साबुत और इसको लग रख देंगे इसका पेस्ट बना के। चलिए गट्टे चेक कर लेते हैं, गट्टे तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसमें बबल्स उठ गए हैं इस तरह से। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और गट्टे को निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो ये पानी है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। सारे गट्टे मैंने निकाल लिए हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। गट्टे ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें काट लेंगे। जैसे चाहे आकार में आप इसे काट लीजिए। देखिए इस तरह से काटेंगे। देखिए मैंने सारे गट्टे काट लिए हैं। अब हम जो हमने मिक्सर बनाया था वो दही का, उसमें थोड़े से गट्टे तोड़ के डाल देंगे। इससे ग्रेवी अच्छी बनती है, थोड़ा गाढ़ी बनेगी। देखिए इस तरह से मैश कर लेंगे इसको ग्रेवी के लिए। चलिए अब ग्रेवी बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई में एक ऑयल सरसों का तेल गरम कर लिया है और उसमें हम गट्टों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके आप गट्टे स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब चाय बनाने का मन हो तब बना सकते हैं। देखिए इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। वैसे आप ऐसे भी बना सकते हो, बिना फ्राई करे भी गट्ठे बन सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई कर रही हूँ। गट्टे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे गट्टे हम बना लेंगे, सबको फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुके हैं गट्टे, ये देखिए ये सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे जो हमने वो पाउडर बनाया था, धनिया जीरा और सौंफ वगैरह का पाउडर बनाया था, उसे तेल में डाल लेंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे उसमें। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे कुटा हुआ अच्छे से, और लहसुन डाल देंगे इसमें, बारीक कटा लहसुन डाल देंगे। पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसी स्टेज पे डालिएगा कसूरी मेथी, जब ये तेल में फ्राई होती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ मैंने मिक्स कर लिया है इन मसालों को, सबको थोड़ी देर भूनेंगे। अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा प्याज, दो प्याज हैं ये मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, इन्हें गुलाबी होने तक भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे तीन बड़े टमाटर, दो प्याज डाले हैं तो टमाटर तीन डालिएगा, ये डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, टमाटर गलने तक हमें इन्हें पकाना है। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं, उसमें नमक को ऐड करना है इसमें, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो पानी वो बच गया था गट्टे पकाने में, उसी पानी को इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इन्हें पकने देंगे थोड़ी देर टमाटर को। अब उस टमाटर के मैंने पीस लिया है इन सबको, जो टमाटर और प्याज मैंने भुने थे उनको पीस के पेस्ट बना लिया है। अब उसी कढ़ाई में उस पेस्ट को डाल लेंगे, और से थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे वो जो दही का हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे और उसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें उबाल आ गया है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अब हम इसमें गट्टे ऐड कर देंगे अपने, अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे, देखिए गट्टे पक चुके हैं, ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं, देखिए कितने सॉफ्ट गट्टे बने हैं, बस ये बनके तैयार हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये देखिए बनके तैयार है, बहुत ही सॉफ्ट गट्टे। आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपके गट्टे भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।